Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. नहीं है, ये होने वाला है tech video, क्योंकि मैं लेकर आ चुका हूँ world का सबसे epic smartphone, Samsung Galaxy S23 Ultra. आपने बहुत सारे super heroes देखे होंगे जिन पे ऐसे अलग अलग super powers होती है. कोई बहुत fast होता है, कोई powerful होता है, तो कोई futuristic होता है. तो क्या आपको पता है कि ये फोन भी एक super smartphone है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी super powers है. करते हैं अनबॉक्स और टेस्ट करते हैं इसकी ताकत को. लेट्स गो. कुछ नहीं, कट. ये बीच वाली है, ये वाली शायद से, ये वाली है. अरे नहीं, ये वाली नहीं है. फिर बाकी सामान को साइड करते हैं. सबसे पहले ओपन करते हैं फोन को. सबसे पहली चीज, फोन बैक साइड से तो बहुत तगड़ा है. इसके जो 5 कैमराज है ना भाई, ये 200 मेगापिक्सल तक का फोटो खींच सकते हैं और 100x जूम भी कर सकते हैं. तो बैक साइड तो तगड़ी है ही, बट फ्रंट साइड भी इसकी बहुत प्यारी है, क्योंकि इतने बड़े डिस्प्ले पे कुछ है ही नहीं. हाँ, मतलब एक छोटा सा कैमरा है, बट गेम खेलते टाइम 6.8 इंच के इतने बड़े डिस्प्ले पे भाई जो फील आने वाली है ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है. मैं आज इसके अंदर बहुत सारी गेम्स डाल के खेलने वाला हूँ. वैसे गेम्स से याद आया, गेमर्स की तो जो ग्रिप बनी हुई है इस पे, जो बंदे 2 उंगली 4 5 6 उंगली से भी खेल दो भाई, ऐसे फोन स्लिप नहीं होने वाला, बिल्कुल ऐसे बढ़िया ग्रिप है. बैक साइड और फ्रंट साइड भी काफी मजबूत है इसकी, क्योंकि दोनों पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 लगा हुआ है, और ऐसे गाल पे ऐसे लगाने में भी काफी मजा आता है. हाँ, पता नहीं क्यों, शायद से मैट है और काफी स्मूथ है इसलिए. खैर ठीक है, एक सेकंड यार, मैं फोन की बाकी चीजों को तो अनबॉक्स करना भूल ही गया. इसके साथ हमें मिला है एक ओके, तो कुछ ऐसे यहाँ पर हमें पर्चियां मिली है. इसको साइड हटाओ. यहाँ पर हमें एक Type-C to Type-C केबल मिला और सेम इजेक्टर मिला. ठीक है, बढ़िया. और सबसे मस्त चीज, इस फोन के काफी सारे इंटरनल कंपोनेंट्स रिसाइकल मटेरियल से बनाए गए हैं. फिलहाल फोन को साइड में रखते हैं. सैमसंग ने मुझे कि गैलेक्सी अनपैक का डब्बा दिया है. ये डब्बा भी पूरा रिसाइकल मटेरियल से बना हुआ है. तो फटाफट से इसे करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं इसके अंदर क्या है. ऑलराइट, तो पहला एक मैसेज है उसमें सैमसंग की तरफ से. उसके बाद ये पाउच है और शायद से इसके अंदर एक टी शर्ट है. ठीक है, इसे भी पहन के देखते हैं. और ये क्या चीज है? ओ, ये एक फोटो फ्रेम है, इसमें अपना ऐसे फोटो डाल सकता हूँ. और ये भी एकदम ऐसे गत्ते का बना हुआ है. कुछ पेन पेंसिल है और एक मस्त नोटबुक है. ये सब भी रिसाइकल मटेरियल से बना हुआ है और ऐसे ग्लास व्लास ढकने के लिए. बढ़िया है, अब खोलते हैं टी शर्ट को. ये क्या भाई? ओ, काफी प्यारा कपड़ा है. #ShareTheEpic. इसको पहन कर देख कर आते हैं भाई, फील लेते हैं रिसाइकल मटेरियल की टी शर्ट कैसी है. ओ, बढ़िया लग रहेगा. #ShareTheEpic. यार देखो, आज का टाइम पर ना आधे ज्यादा बंदे या तो गेमर बनना चाहते हैं या फिर ब्लॉगर बनना चाहते हैं. वैसे एक सेकंड, इस फोन में हाई क्वालिटी के लिए आपको ऐसे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है बैक कैमरा से. इसका फ्रंट कैमरा भी 4K 60fps पे वीडियो रिकॉर्ड करता है. और ये फोन भाई गेमर्स के लिए तो बहुत स्पेशल है. स्नैपड्रैगन पता है आपको, जो प्रोसेसर बनाते हैं जिससे हमारे गेम की परफॉर्मेंस आती है, तो स्नैपड्रैगन ने सैमसंग के साथ अलग से ऐसे गठबंधन बना के जो प्रोसेसर निकाला है, वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, जो कि इस फोन में लगा हुआ है. और अभी तक हमें बस पीसी के ग्राफिक्स में रे ट्रेसिंग दिखती थी, बट अब इस फोन में भी आपको रे ट्रेसिंग दिखने को मिलने वाली है, वो भी 120 हर्ट्ज के डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले पे. और गैलेक्सी S23 पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो कि गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 के साथ आता है. मतलब फुल प्रोटेक्शन भाई, पटक दो भाई. देखो, अभी तो हमने इस फोन को ऊपर ऊपर से टेस्ट कर लिया है, अब चलते हैं घर के बाहर. मैं इससे ना व्लॉगिंग करने जा रहा हूँ सीधा, और प्रॉपर कैमरा टेस्ट करेंगे इसका कि है कैसा. व्हाट्स अप गाइस, तो अभी मैं आया हूँ पार्क में मस्त एक व्लॉग करने के लिए. वैसे व्लॉग करने नहीं आया हूँ मैं, इस कैमरा की क्वालिटी टेस्ट करने आया हूँ, क्योंकि मुझे आगे इसी से व्लॉग करने हैं. तो यार ये कुछ ज्यादा प्यारी स्मूथनेस नहीं आ रही. तो ये व्लॉग प्रॉपर 4K 60fps पे हो रहा है, एंड बैकग्राउंड के कलर्स भाई मेरे को तो यहीं पे इतने तगड़े लग रहे हैं. तो काफी देर तक मैंने इस कैमरा से व्लॉगिंग करी और मुझे नोटिस हुई दो क्रेजी चीज. पहली ये कि इसकी जो माइक क्वालिटी है वो आउटडोर में भी बहुत अच्छी आ रही थी, लाइक एकदम बेस वगैरह सब कुछ. एंड सेकेंड, ये जो फ्रेम दे रहा है फ्रंट कैमरा में, वो काफी अच्छा खासा वाइड है, लाइक कुछ भी क्रॉप नहीं हो रहा है. उसके बाद मैंने करी कुछ और अमेजिंग टेस्टिंग. तो सबसे पहले मैं आ गया एक पार्क में और मैंने रिकॉर्ड करी एक 1080p वीडियो 960fps पे. इसका मतलब समझ रहे हो, इस वीडियो से इतना तगड़ा स्लोमो निकल सकता है जिसकी फुटेज आपको दिख ही रही है. फिर उसके बाद मैंने टेस्ट करी एक 4K 60fps की रिकॉर्डिंग, जो कि बहुत प्यारी थी ही, बट ये फोन 8K पे भी रिकॉर्ड कर सकता है 30fps में. तो इसका 100x जूम टेस्ट करने के लिए मैंने बहुत दूर एक कैन रख दिया और फुल जूम करके एक फोटो क्लिक करा, एंड आप लोग देख सकते हो क्या क्लियर फोटो है. लाइक मैं उसे अपनी आंखों से नहीं देख पा रहा हूँ, बट इसमें फोटो कैप्चर करके मुझे सब कुछ एकदम क्लियर नजर आ रहा है. तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक बंदे ने इस फोन से ग्रास की फोटो क्लिक करी, और फिर जब उसे ग्रास में रखा तो ये फोन बिल्कुल उसके साथ मर्ज हो गया. इसीलिए मैं चला गया इसे रिक्रिएट करने,
एंड आप लोग देख सकते हो कि ये बिल्कुल वर्क करा सच्ची में। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे ये चीज़ बहुत कूल लगी इस फ़ोन की। बाय द वे आप लोग ये हर फ़ोन से नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, जो कि सैमसंग में ही है। गाइस अभी अभी ना मुझे स्मार्टफोन का एक और तगड़ा फीचर पता चला है। ये जो इसका एस पेन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिखने के काम नहीं आता है, इसका एक और तगड़ा यूज़ है। ये मैंने लगा दिया अपना फ़ोन यहाँ पे, अब मेरे को खींचनी है फोटो, ठीक है। ये इसके पेन में मैंने बटन लगाया, पहले तो कैमरा कर लिया फ्रंट वाला, ठीक है। अगर ऐसा बढ़िया पोज दिया और फोटो क्लिक, वीडियो बनानी है ऐसे स्वाइप, फोटो से वीडियो मोड पे जाना है, स्वाइप करा और वीडियो भी बनाकर अपना ऐसे टिकटॉक रिकॉर्ड कर ली। ये ऐसे डिलीट करने का भी सैमसंग एक डिलीट करने का भी डाल है इसके अंदर, ऑप्शन खराब बनती है वैसे। एक तरीके से ये पेन वायरलेस रिमोट हो गया भाई इस फोन का, मतलब काफी सारी चीजें और भी यूज करी जा सकती है इससे। मैं ट्राई करूंगा, तो सबवे सफर डाल के खींचेंगे राइट लेफ्ट ऊपर नीचे। भाई कैमरे के मामले में इस फोन को कोई नहीं बीट कर सकता आज के टाइम पे। अब कैमरा टेस्ट तो हो गया, फटाफट से हम लोग चलते हैं गेम टेस्ट करने। गेम खेलने से पहले एक बार इसका स्पीकर भी टेस्ट कर लेते हैं कैसा है। भाई स्पीकर तो बहुत तगड़ा है भाई इसका, अच्छी खासी वॉल्यूम है। फिर मैंने किया मस्त गेमिंग टेस्ट एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इतनी बड़ी डिस्प्ले पे गेम खेलने का जो मजा आता है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल है। तो काफी देर तक मैंने गेम खेली, फुल मजे करे रे ट्रेसिंग के साथ, और ना कोई गेम में लैग, ना फोन में कोई हीट, और बैटरी भी इतनी जल्दी लो नहीं होता इस फोन का। तो चलो गाइस आज के साले वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये टेक वीडियो और ये फोन दोनों जरूर अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो यार वीडियो को जाके लाइक करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये फोन कैसा लगा। बाकी जो लोग भी चैनल पर न्यू है फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। #ShareTheEpic